الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال نوح رب إنهم عصوني واتبعوا من لم يزده ماله وولده إلا خسارا ومكروا مكرا كبارا وقالوا لا تذرن آلهتكم ولا تذرن ودا ولا سواعا ولا يغوص ويعوق ونصرا وقد أضلوا كثيرا ولا تزد الظالمين إلا ضلالا مما خطيئاتهم أغرقوا فأدخلوا نارا فلم يجدوا لهم من دون الله أنصارا. ये सूरह नूह की कुछ आयतें हैं। कहते नूह अलैहिस्सलाम का तस्करा किया जा रहा है कि किस तरीके से वो अपने कौम वालों को समझा रहे हैं और एक अल्लाह की तरफ उनको दावत दे रहे हैं। قال نوح ربي نوح عليه السلام نے کہا اے میرے رب انہم عصونی واتبعوا من لم يزده ماله کہ ان لوگوں نے میری نافرمانی کی اور یہی نہیں ان لوگوں نے ان کی اتباع کی جن کو ان کی اولاد نے اور ان کے مال نے ان کو خسارے میں ڈال دیا ان کو برباد کر دیا یعنی ایک نبی کی ان لوگوں نے نافرمانی کی اور ان لوگوں کی اتباع کی جو لوگ سراسر گمراہی میں تھے جو لوگ سراسر خسارے میں تھے ان لوگوں کی ان لوگوں نے اتباع کی اور وَمَكَرُوا مَكْرًا كُبَّارًا اور کہا کہ ان لوگوں نے بہت بڑی چال چلی مفسرین کرام نے کہا ہے کہ ان لوگوں نے حضرت نوح علیہ السلام کو قتل کرنے پر لوگوں کو ابھارا ایک نبی کو قتل کرنے کی سازش ان لوگوں کی تھی بتائیے ایک اپنے قوم والوں کو یہ لوگ سمجھا رہے ہیں حضرت نوح علیہ السلام بتا رہے ہیں کہ ایک اللہ کی طرف آؤ نجات اسی میں ہے اللہ سے مغفرت طلب کرو اور یہ قوم ایسی کہ ان کو قتل کرنے پر ان کو مار دینے پر آمادہ ہو گئی تو مکرو مکرن کو بارا حضرت نوح علیہ السلام کے قوم والوں نے نبی حضرت نوح علیہ السلام کو قتل کرنے کا ارادہ کیا اور کیا کہا وَقَالُوا لَا تَذَرُنَّ آلِهَتَكُمْ कि तुम लोग ना छोड़ना इन लोगों का कौल था तुम लोग ना छोड़ना अपने माबूदों को वला तज़रुन्ना और ना छोड़ना वद्दम वला सुआअम वला यगूस वयऊक वनसरा ये बुतों के नाम है पांच बुतों के नाम है बड़े बुत थे वद सुआ यगूस यऊक और नसर कहा जाता है कि सबसे पहले शिर्क और अल्लाह के अलावा किसी की इबादत इन्हीं की कौम ने हज़रत नूह अलैहिस्सलाम की कौम ने शुरू किया था ये पांच लोग ऐसे थे जो बहुत ही नेक लोग थे तो जब ये लोग इंतकाल कर गए तो शैतान ने उन लोगों को बहकाया कि तुम लोग इनकी तस्वीर बना करके अपने घर में रख लो ताकि जब तुम उनको देखोगे तो तुम भी नेक अमल करोगे उसके बाद उनकी कौम वालों ने ऐसा किया फिर वो लोग जब इंतकाल कर गए तो फिर शैतान ने उनको बहकाया और कहा कि ये ऐसे लोग हैं जिनकी तुम्हारे बाप और दादा इत्तिबा करते थे पूजा करते थे इबादत करते थे और इनकी कौम ने यहां से इत्तिबा और यहां से इबादत करना शुरू कर दिया यानी अल्लाह को छोड़ करके इन्हीं पांच माबूदों की लोग इबादत करते थे और कहा जाता है कि मक्का के अंदर भी जब नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मक्का के अंदर भेजे गए तब भी इनकी इबादत की जाती थी इनकी परस्तिश की जाती थी इनकी पूजा की जाती थी ये ऐसे लोग थे तो यहां से शिर्क की इब्तिदा हुई और अल्लाह को छोड़ करके दूसरों की इबादत यहीं से शुरू हुई और कहा जाता है कि इसीलिए इस्लाम के अंदर है जिसका जो मकाम है उसको वहीं पर रखना उससे ऊपर उठा दिए गए इनको माबूद बना लिया ये नेक लोग थे लेकिन इनको उठाते उठाते अल्लाह का दर्जा दे दिया और माबूद करार दिया गया और वक़द अज़ल्लू कसीरा वला तज़िद अज़्ज़ालिमीन इल्ला ज़लाला और इन लोगों ने बहुत सारे लोगों को गुमराह किया जितने लोग आते इनकी परस्तिश करते इनकी इबादत करते और बहुत सारे लोग जो है इनकी परस्तिश करते मिम्मा खतीआतिहिम और इन्हीं के जुल्म की वजह से यही खता और यही गुनाह की वजह से ये लोग डुबो दिए गए उग्रिकू फउदखिलू नारा और दुनिया के अंदर इनको ये अजाब दिया गया कि इनके कौम के ऊपर अजाब मुसल्लत हुआ सैलाब आ गया और कल कयामत के दिन कहा गया फउदखिलू नारा इनको जहन्नम में दाखिल किया जाएगा فَلَمْ يَجِدُوا لَهُمْ مِنْ دُونِ اللَّهِ أَنْصَارًا اور وہاں اللہ کے علاوہ کوئی مددگار
नहीं होगा। तो फिर आयत नूह अलैहि सलाम ने इनके लिए बद्दुआ भी की, وقال نوح رب لا تذر على الارض من الكافرين ديارا, कि अल्लाह रब العالمین इस दुनिया पर जो लोग कुफ्र करते हैं, जिन लोगों ने कुफ्र किया, इन लोगों को इस दुनिया पर छोड़ना नहीं, इस जमीन पर छोड़ना नहीं, सबको तबाह कर देना, निस्तो नाबूद कर देना। और यही वजह है कि हज़रत नूह अलैहिस्सलाम जब कश्ती पर सवार हुए तो उनके साथ वो लोग थे जो ईमान वाले थे, और कुछ जानवर को रख करके हज़रत नूह अलैहिस्सलाम निकल गए, और ये कश्ती और ये बस्ती जो है बर्बाद हो गई, जितने काफी थे सब बर्बाद हो गए। तो अल्लाह रब्बुल आलमीन ने इनको अजाब से दो चार किया, और नूह अलैहिस्सलाम बार बार समझाते रहे, लेकिन आखिर में हज़रत नूह अलैहिस्सलाम ने अपनी कौम वालों के जो काफिर थे उनके लिए बद्दुआ दी, और अल्लाह रब्बुल आलमीन ने कबूल किया और इनको निस्तो नाबूद कर दिया। रब्बुल आलमीन से दुआ है कि हमें कहने सुनने से ज्यादा अमल करने की तौफीक अता फरमाए। अल्लाह रब्बुल आलमीन जो हम रमजान मुबारक के महीने में दरस तदरीस का, इबादतों का जो भी अहतमाम किया अल्लाह रब्बुल आलमीन, तो हमारे इबाद में इखलास पैदा करने के साथ साथ हमारी तमाम इबादत को कबूल फरमा। अल्लाह रब्बुल आलमीन जब तक इस दुनिया के अंदर ईमान और इस्लाम की हालत में रख, जब हमारा खातिमा हो ईमान की हालत में हो, आमीन। व आखिरु दुआ अलहम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।